लगता है कि इस बार राजस्थान के वन विभाग कर्मचारियों ने सरकार के विरुद्ध आर पार की लड़ाई की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय उद्यानों और सफारी को पब्लिक के लिए यह कर्मचारी आज बंद रखेंगे। ऐसे में झालाना लेपर्ड सफारी, सरिस्का, रणथंबोर, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क व अन्य कई अभयारण्य देखने आने वाले पर्यटक और वाइल्ड लाइफ प्रेमी आज सफारी में और पार्क में वन्य जीवों को करीब से नहीं देख पाएंगे। वन्य विभाग संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले लंबे समय से वन विभाग के कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारी जायज मांगों को नहीं माना जा रहा है, इसलिए राज्य के वन विभाग के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। जब तक कि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती, इनकी 15 सूत्री मांगों में प्रमुख ये है कि हमें हमारे समकक्ष पदों के समान वेतन दिलवाया जाए। आठवीं और दसवीं पास कर्मचारियों की को ढील देते हुए पूर्व की भांति वन रक्षक के पद पर समायोजन किया जाए। मैस भत्ता राशि 2200 रुपए दिलवाया जाए। यहां कार्यरत कार्य प्रभारी कर्मियों को अन्य विभागों की तरह पदोन्नति दी जाए। वर्दी भत्ता राशि 7000 रुपए वार्षिक दिलवाई जाए। वन में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के लिए व स्वयं की सुरक्षा के लिए हथियार दिलवाए जाए। ड्यूटी का टाइम व समय स्पष्ट किया जाए। इसी प्रकार की और भी कई मांगे हैं।